सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनत जिसकी वफादार होती है। मौका जितना छोटा ये शब्द है, उतनी ही देर के लिए ये आता है। जिस डिप्रेशन में अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, इतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सर पर लेके घूमता है। उसको लड़ना आता है, मरना नहीं। आज का पंचांग 26 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 7:08 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:59 से 4:24 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मेष राशि 26 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, यह समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय को आपकी समीक्षा की जरूरत है। ढीले सिरे को बांधे और संबंधों में अगले चरण में जाने पर विचार करें। आपके परिवार में मतभेद हो सकती हैं, इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। आज नए संबंध बनाने और व्यस्त रहने का योग है। आपके प्रियजन आपके रचनात्मक पहलू के बारे में जानेंगे और तारीफ करेंगे। याद रखें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना लगे, क्योंकि अच्छी बातें अधिक कीमत और कम लागत की होती है, जबकि बुरी बातों की कीमत एक पैसा होती है और इनका मूल बहुत अधिक होता है। आज ग्रह गोचर तथा परिस्थितियां आपके लिए लाभ का मार्ग खोल रही है। सिर्फ अत्यधिक मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। आप अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर घर तथा समाज में संभावित स्थान प्राप्त करेंगी। जीवन में प्राप्त हो रही शिक्षकों और अनुभवों को अपनाएं। अनुभव से आप कठिनाइयों को सुलझा पाएंगे। पैसों से जुड़े आपके काम आगे बढ़ने लगेंगे। जिन लोगों को पैसे लौटाना चाहते हैं, छोटी मोटी रकम चुका पाएंगे। काम से जुड़ी गंभीरता बढ़ने लगेगी और काम के लिए फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। मन की निराशा का असर रिलेशनशिप पर ना होने दें। सेहत संबंधित बदलाव धीरे धीरे नजर आएगा। सावधानियां, किसी प्रियजन से संबंधित कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी तथा भावुकता में ना लें। दोस्तों तथा रिश्तेदारों का आपके कार्यों में मीन रेख निकलना आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डाल सकता है। मीन मेख निकलना आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डाल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर की व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखें। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपकी साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है, ताकि आपके और भी नजदीक आ सके। लेकिन काम के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। नए जॉब मिलने की संभावना है। नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। आज आपके कुछ ऐसे दोस्त बनने वाले हैं जो जिंदगी भर आपका साथ देंगे। कामों में व्यस्तता के कारण आज आपको प्यार का समय थोड़ा कम मिलेगा। अपने लव वन का आज खास ध्यान रखें, क्योंकि यह रिश्ता शीशे की तरह होता है और जरा सा ठेस लगने से टूट सकता है। बात करते हैं करियर की। आज नए परिवेश या वातावरण में काम करने से धन का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट हैं, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकती हैं। व्यापार बिक्री खरीद के लिए समय अच्छा है। कानूनी समझौते और ट्राई अप की संभावना भी है। व्यापारिक दुनिया में समय ही धन है, इसलिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए तकनीकों को बनाना आपके और आपके संगठन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
आपके सितारे नई सहभागिता और नेटवर्क्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। दृढ़ता और विनम्रता दो ऐसे गुण हैं जिन पर आपको अड़िग रहना चाहिए। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा व शांति बनी रहेगी। सेहत संबंधित बदलाव भी धीरे 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 नजर आएंगे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।